आज 2 अक्टूबर पर ये बच्चे इन्होंने प्रश्नों का महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री थे उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की हैं। उसके ऊपर ही ये प्रश्न के उत्तर बता रहे हैं। यूपीएस मॉडल यूपीएस जैनपुर नकुर सहारनपुर से ये बच्चे। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर प्रांत में हुआ। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। ठीक है, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम प्यार से क्या कहते हैं? बापू। महात्मा गांधी जी का निधन कब और कहाँ हुआ था? 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ है? दिल्ली में। महात्मा गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। वेरी गुड। महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो। और महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? विलायत। ठीक, अब हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 चंदौली। हाँ, वेरी गुड। महात्मा गांधी जी के लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री जी की माता का क्या नाम था? और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया? वेरी गुड। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री क्यों कहते हैं? 1926 शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उन्हें कौन सा विभाग दिया गया? रेल मंत्री। ठीक है, खाद्यान्न की कमी होने पर शास्त्री जी ने क्या कहा? सप्ताह में एक बार उपवास रख लो। वेरी गुड। भारत पाक युद्ध में कौन विजयी रहा? भारत। ठीक है, उसके बाद शास्त्री जी का निधन कब और कहाँ हुआ? 10 जनवरी 1967 को सोवियत गति रुकने के कारण। वेरी गुड। शास्त्री की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1926। भारत छोड़ो आंदोलन में शास्त्री जी कब जेल गए?